उदाहरण 15, त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी पर बिंदु पी इस प्रकार स्थित है कि एबी बराबर एपी, बिंदु ए और सी से क्रमशः बीसी और पीए के समांतर रेखाएं खींचे जो बिंदु डी पर मिले। दी गई आकृति में सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। हल, त्रिभुज ए बी पी में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी बराबर ए पी जो कि दिया है। अब क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पे हम कोण ए बी पी बराबर कोण ए पी बी लेंगे। ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समान भुजा के सम्मुख कोण है जो कि बराबर होते हैं। अब हमारे पास है कि एपी समांतर है सीडी से तथा एडी समांतर है बीसी से। ये हमारे पास दिया है, अतः ए पी सी डी एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से यहाँ पे हम लेंगे कि कोण ए पी सी बराबर कोण ए डी सी है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण ए पी बी धन कोण ए पी सी बराबर 180 अंश होता है। यहाँ पे हमने रेखीय युग्म अभिगृहित से लिया है, रेखीय युग्म अभिगृहित से ये दोनों कोणों का योग 180 अंश हुआ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए बी पी धन कोण ए डी सी का भी योग 180 अंश होगा, क्योंकि ए कोण ए पी बी बराबर कोण ए बी पी है और कोण ए पी सी बराबर कोण ए डी सी है। किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के किसी एक युग्म का योग 180 अंश हो तो चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होता है। यह इस उदाहरण का हल होगा।